अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़ा और उसके ऊपर के टॉपिंग की रेसिपी। टॉपिंग को बनाना बहुत आसान है। आप टॉपिंग को आप एज अ रबड़ी भी खा सकते हैं या शाही टुकड़ा के ऊपर उसकी टॉपिंग करके खा सकते हैं। फिर देख लेते हैं हमें शाही टुकड़ा और उसकी टॉपिंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। शाही टुकड़ा के लिए रबड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़ा सा ज़ाफ़रान और उसके साथ मैंने थोड़ा सा काजू लिया है और बादाम लिया है। बादाम को मैंने सूख कर दिया था पहले और उसका छिलका हटा दिया है। उसके बाद ये मैंने दो ब्रेड लिए हैं, इसके साइड्स को मैंने कट कर दिए हैं, निकाल दिया है। अब मैं इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। आप देख लें कि आपका ब्रेड जो है थोड़ा सा ड्राई रहे तो अच्छे से ग्राइंडिंग अच्छे से होगी। अब इसमें मैंने 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाला है और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने इलायची पाउडर डाला है। इनको मिक्स कर दूंगी। ये हमारा रबड़ी मिक्स रेडी हो गया। चाहे तो इसको स्टोर कर सकते हैं और आपका जब दिल चाहे रबड़ी खाने को आप ये रबड़ी मिक्स से रबड़ी बना सकते हैं आसानी से। अब एक पैन में मैंने 1.5 लीटर तक मिल्क लिया है, इसको मैं बॉयल होने दूँगी। अब मैं 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही बॉईल होने दूंगी और इसमें शुगर डाल दूंगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मीठा खाते हैं उतना शुगर डाल दें। और जब तक ये थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए और ये थिक ना हो जाए मैं थोड़ा इसको स्पून से चलाते रहूंगी। उसके बाद ये मैंने रबड़ी मिक्स लिया है जो कि मैंने हाफ जितना बनाया था उसका हाफ लिया है। इसको डाल के मैं मिक्स करती रहूँगी। अब मैं इसको मिक्स करती रहूँगी जिससे कि इसमें लम्स ना बने, और इसको ऐसे ही चलाते हुए जब तक कि थोड़ा रबड़ी थिक ना हो जाए, रबड़ी की शक्ल ना ले ले, तब तक मैं इसको ऐसे ही कुक करूँगी। इसको पकाते हुए 10 से 15 मिनट लगे हैं। रबड़ी अब थिक हो गई है। रबड़ी थिक हो गई है, ये काफ़ी है इतनी थिकनेस। अब ये जब ठंडा होगा तो ये और थिक हो जाएगा, इसलिए हमें इसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें रोज़ वाटर डाल दूँगी। सर्व करने से पहले मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, जिससे देखिए ये एकदम मार्केट जैसा टेक्सचर लग रहा है इसका, रबड़ी का। अब शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने ये 3 ब्रेड लिया है, इनको मैं बीच से कट कर लूँगी। आप चाहें तो इनके साइड्स जो हैं ब्राउन पार्ट्स है वो निकाल दें, मैंने नहीं निकाला है। अब मैं सारे ब्रेड्स को डीप फ्राई कर लूँगी ऑयल में। आप चाहें तो इसमें बटर लगा के दोनों साइड्स ब्राउन होने तक सेक सकते हैं इसको, बट शाही टुकड़ा था तो मैंने सोचा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। सारे ब्रेड्स को मैंने ऐसे ही क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इन टुकड़ों को शुगर सिरप में डिप करने के लिए जल्दी से चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप पानी लिया है और मैंने उसमें 1/2 कप शुगर डाला है। आप चाहें तो जितना मिठास खाते हैं उतने डाल लें। अब इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है और इसको मैं अभी कुक होने दूंगी जब तक कि शुगर हमारा कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। 5 to 7 मिनट्स लगे मुझे ये चाशनी बनाने में। मैं इसको ज़्यादा थिक नहीं होने दूँगी और फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। अब एक सर्विंग पैन में मैंने सारे फ्राइड ब्रेड्स को अरेंज कर दिए हैं। आप भी ऐसे ही करें। और उसके ऊपर ये मैंने शुगर सिरप डाल दिया है। शुगर सिरप डालने के बाद मैं 5 मिनट तक वेट करूंगी जब तक कि ये पूरा ब्रेड जो है शुगर सिरप को एब्जॉर्ब ना कर ले। 4 to 5 मिनट्स वेट करने के बाद मैं अब इसके ऊपर टॉपिंग जो हमने बनाई है रबड़ी वो मैं डाल दूंगी। उसके बाद मैंने इसको गार्निश कर दिया था ड्राई फ्रूट से। इसमें मैंने थोड़ा सा रोज़ पेटल्स भी डाले हैं। अब शाही टुकड़ा है तो थोड़ा शाही लुक आना चाहिए। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। आपको कैसी लगी मेरी आज की शाही टुकड़ा और रबड़ी की रेसिपी, बताएं ज़रूर कमेंट्स में। और आप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स, हाफिज़।